अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर सिस्टर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे व्लॉग्स डेली देखते होंगे। सो अभी दिन का टाइम हो चुका है और हमने जोहर की नमाज़ अदा कर ली है, यानी पढ़ लिया है। अभी 2 बज रहे हैं दिन के। सुबह हम उठे और मैं बताया कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मतलब होने वाले हैं अभी, तो उनके प्रिपरेशन मैंने की। तो अभी थोड़ी ब्रेक ली तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी आप देख सकते हो कि मौसम किस तरह का है, क्लाउड्स आए हुए। अगर आपने रात वाला व्लॉग देखा हो, उसमें मैंने रात के सीन में मैंने क्लाउड्स दिखाए थे, तो वो बहुत मतलब मज़े ही लग रहे थे, थोड़ा हॉरर लग रहा था। आपने जाकर वो ज़रूर देखना है, ठीक है। उसका मैं अभी मतलब वो भी अपलोड हो गया है व्लॉग, उसका नाम है मूवी नाइट। मतलब मूवी नाइट में ही हमने सारा वो दिखाया, तो आपने जाकर उसको ज़रूर देखना है, विज़िट करना है। सो ये मिशाइम ने अपनी एक फ्रेंड के लिए बनाया है, क्यूट सा क्ले से। मुझे इसका इस साइड वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया है। इन क्लेस की हेल्प से मिशाइम ने ये सब बनाया। सो ये मिशाइम के पास कोई ट्रिक है, ये भी हमें करके दिखा रही हैं। ये वेस्ट कोट इसकी बन गई, आगे इसकी मूछें, ये इसकी कैप भी आ गई, ग्लासेस, इसके स्टिक, इसके शूज इसके चेक करें। आज मैं ना इश्मिल के साथ एक प्रैंक करना चाह रही हूँ, इरिटेटिंग प्रैंक या फिर इग्नोरिंग प्रैंक। अब चेक करते हैं कि कौन सा प्रैंक मैं कर पाऊँगी। मिशाइम से पूछते हैं कि हमें कौन सा प्रैंक करना चाहिए इश्मिल के साथ, तब आहिस्ता बोल रही हूँ कि इश्मिल की सुनी ना ले। तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ करूँ कि इग्नोरिंग इश्मिल फॉर 24 आवर्स। अब देखते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, या इग्नोरिंग वाला करेंगे या फिर इरिटेटिंग प्रैंक करते हैं। देखते हैं कि क्या कर पाएंगे हम। मैं इस रूम में आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सूटेबल रूम है। तो इधर पीछे कहीं मैं कैमरा सेट कर देती हूँ, इधर पीछे अगर जगह बन जाए तो, ताकि इश्मिल को बिल्कुल भी यकीन ना हो, कैमरा देख लिया तो उन्हें लगेगा कोई प्रैंक ही है। इधर पीछे इसके पीछे छुपा देते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैमरा सेट करते हैं। और फिर अपना इश्मिल जब भी आएंगी, मैं इधर बैठ जाऊँगी, कैमरा के मैं पीछे होंगी, क्योंकि आपको पता है मैं कैमरा के सामने नहीं आती। तो इश्मिल जब आएंगी फिर मैं उनके साथ ही प्रैंक शुरू करूँगी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी जब मैं आई तो मेरे जहन में आया कि इरीटेटिंग वाला भी छोड़ो और इग्नोरिंग वाला भी छोड़ो, गेटिंग रूड विद इश्मिल फॉर 24 आवर्स चैलेंज करते हैं, क्योंकि आज तक मैं इश्मिल के साथ रूड नहीं हुई। तो आज देखते हैं कि इश्मिल कैसा बिहेव करेंगे आगे से। सोच रही हूँ सोफ़ा के पीछे सेट कर दूँ, इधर इधर से शायद, या फिर इधर, इधर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, या इसके ऊपर, इसके आगे कोई बुक्स वगैरह रख दूँ, देखते हैं क्या होता है। डन, अब मैं उस साइड पे बैठूँगी उधर पीछे, क्योंकि मैं कैमरा के सामने तो नहीं आती ना। तो फिर इमो आप इधर आगे क्यों बैठी हो, ये आप पहले ये डॉल छोड़ के आओ, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इतनी अजीब सी है, इसके हेयर्स देखो ज़रा, ड्रेस भी देखो ज़रा इसका, और आप इसको लेके घूमती रहती हो, जाओ इसको छोड़ कर आओ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इमो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसको छोड़ कर आओ जाकर, क्यों? और ये वाला आपने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, ये बिल्कुल मेरे जैसा ड्रेस है, इसलिए इसको जाकर चेंज करके आओ, मेरी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी नहीं, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं जो कहूँ वो करो, आप जाओ। पर से आपके बाल इतने अजीब हैं,
मेरे से तो अच्छे ही हैं लेकिन बहुत अजीब हैं। जाओ ये डॉल रख कर आओ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बस मैंने मना कर दिया ना आपको। मुझे तो पसंद है ना। आपको बेशक पसंद हो, जो मैं कहूँ वो करो। मैं जो कह रही हूँ आप वो करो। जाओ ये हेयर बैंड भी उतार कर आओ, ये भी नहीं अच्छा। आपके साथ कुछ भी नहीं अच्छा लगता, आप ही नहीं मुझे अच्छी लगती। इश्मेल आपको समझ आती है मेरी बात? इस डॉल को पहले रख कर आओ और फिर ये अपना हेयर बैंड उतारो और जाके अपना स्टाइल चेंज करो। इतना अजीब सा आपका स्टाइल है। अच्छी है ना डॉल तो, इसकी आईज भी ब्लू है, लिप्स भी पिंक है। बेशक इसकी आईज ब्लू और लिप्स पिंक हो, ये मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। जाओ इसे रख कर आओ। बेशक आपको अच्छी लगती हो। जब ये मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसको रखती क्यों हूँ? क्योंकि ये मैं कह रही हूँ आपको। समझ आती है आपको? आपको क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी मर्जी मैं गुस्सा करूँ या प्यार करूँ आपसे? मुझे गुस्सा आ रहा है आप पे। इतना आपका अजीब स्टाइल है, ऊपर से आपका ड्रेस देखो ज़रा। लाई तो मेरे मम्मा है ना। बेशक आपकी मम्मा लाई हूँ, मुझे नहीं पसंद ये। हेयर बैंड भी मेरी मम्मा लाई है। लेकिन ये आपके साथ अच्छा ही नहीं लगता। मेरे कपड़े भी मम्मा लाई है और डॉल तो बाबा लाए है। रे इमो, मैं आपसे आखिरी दफ़ा कह रही हूँ कि आप इसे छोड़ आओ। अब इसमें रोने वाली क्या बात है? जब जो चीज़ अच्छी ही नहीं है तो फिर हो जाओ खफा। अब मैं भी आपको राज़ी नहीं करूँगी। और इस डॉल को तो अभी मैं बाहर फेंकवाती हूँ। एक चीज़ पसंद ही नहीं होती फिर भी आपको बस उसी चीज़ के साथ खेलना है। अब ऊपर हो जाओ, बस कर दो। आवाज़ आ रही है मेरी? उठो इमो, बस कर दो, अब उठ जाओ। प्रैंक था इश्मिल, कैमरा मैंने उधर छुपाया हुआ था, आपको इतना नहीं पता। आप भी ये देखो, ये अच्छी बात नहीं है। तभी मैं कहूँ आज तक आप मेरे साथ रूठ नहीं हुए, आज आप हो रही हो। हाँ ना, तो यही तो प्रैंक था यार इमो। आपको मैं कभी डांट सकती हूँ? नहीं ना, ये तो बस एक प्रैंक था। आप ही मुझे अच्छी लगती है, आपका स्टाइल भी अच्छा लगता है, आपका हेयर बैंड भी, आपका ड्रेस भी और आपकी डॉल भी। वो तो बस मैं एक प्रैंक कर रही थी। कैसा लगा, बुरा? सॉरी, तो आपके साथ प्रैंक हुए तो कैमरे के आगे हाथ हिला दे। सो फाइनली इश्मेल जा चुकी हैं अब दूसरे रूम में खेलने के लिए। तो मुझे कुछ हो रहा था, मैं कैसे डांट रही हूँ इश्मिल को। आज तक मैंने इतना इश्मिल को कभी नहीं डांटा, कभी भी नहीं डांटा, और आज फर्स्ट टाइम प्रैंक की वजह से मुझे उसे डांटना पड़ा। तो मुझे समझ नहीं आया मैं बोलूँ क्या। मैं बार बार बोल रही छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फिर मैं इधर बैठी हुई थी मैं, और इधर से मैं आई यहाँ पर, मैंने फ़ोन रखा हुआ था इधर से, तो बीच में मेरी थोड़ी बहुत फिंगर्स भी आगे आई, तो सॉरी। तो यहाँ से मैंने फ़ोन उठाया और वहाँ पर इश्मिल बैठी हुई थी, इधर मैंने रखा था ताकि सही वीडियो आ सके। आई होप सो कि आप लोगों ने आज का व्लॉग इन्जॉय किया हो।
अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अल्लाह हाफिज़।